गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे आई वेलकम यू इन आवर कंप्यूटर एक्टिविटी क्लास। इन प्रीवियस क्लास आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यू हाउ टू क्रिएट वर्कशीट्स एंड हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू दिस थिंग as we have just only learned how to total and how to subtract. In today's class we will discuss how to calculate average, percentage, minimum and maximum marks of the students for the class. Okay students, are you ready? If yes, let's come and start now. बच्चों, जैसा कि हमने जो कि पिछले क्लास में किया था कि किस तरह से वर्कशीट बनानी है और उसके अंदर टोटल कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है नंबर्स की, आज हम हमने बात करनी है इसके अंदर एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर हम करते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद जो है मिनिमम नंबर जो है किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है अपने रोज वाइज, और मैक्सिमम नंबर जो है किस तरह से फाइंड आउट करना है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। जैसे क्वेश्चन हमने इसको बनाया, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मर्ज और सेंटर जो हमने पहले किया था अब वो हमारा जो है सेंटर में नहीं रहा है, बिकॉज वी हैव इंसर्टेड मोर कॉलम्स इन टू इट। जो हमारी वर्कशीट है उसके अंदर जो है हमने और कॉलम्स को इंसर्ट कर दिया है, तो इट डज नॉट सीम्स वेरी गुड। तो सबसे पहले जो है हम अपनी हेडिंग को जो है सेलेक्ट करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट हेडिंग दे देते हैं, इसको सेलेक्ट किया। नाउ कम टू दिस टेक्स्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल। एक बार क्लिक करेंगे ये आपका जो पहले आपने मर्ज किया था वो हट जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये आपका पूरे सेंटर में अब आ चुका है। अब जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज का, अब हम आते हैं अपनी आगे की क्लास की, और जो आज हमने डिस्कस करना है, तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला है उसको करना है। ये परसेंटेज निकालनी है, मिनिमम निकालना है और मैक्सिमम निकालना है। कैसे निकालते हैं कि एवरी फॉर्मूला एंड फंक्शंस बिगेंस विद इज इक्वल टू साइन, दिस इज इक्वल टू। एवरेज निकालने के लिए हमें लिखना है एवरेज, AVERAGE, एवरेज हमारा लिखा गया। देन स्टार्ट द ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, शिफ्ट प्लस 9 वाली ब्रैकेट स्टार्ट करिए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिसका आपने एवरेज निकालना है उन सेल्स को आप लोग जो है सेलेक्ट कर दीजिए। जैसा कि हमने इन पांचों का निकालना है तो मैंने जो है इन पांचों सेल्स की वैल्यूज को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जो है जो आपका इनका एड्रेसेस आपका उस सेल के अंदर आ जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए शिफ्ट प्लस 0 से, देन प्रेस एंटर। अब ये एवरेज आया है 43.6। नाउ सी नेक्स्ट टाइम इक्वल टू लगाया, एवरेज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए शिफ्ट प्लस 9, जिसका आपने एवरेज कैलकुलेट करना है उनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका एड्रेस अपने आप आ जाएगा ब्रैकेट के बाद, देन क्लोज द ब्रैकेट शिफ्ट प्लस 0, देन एंटर। ये आपका जो है इनका भी एवरेज आ चुका है, तो ड्रैग पकड़ के ड्रैग कर दीजिए ऑटोफिल फीचर से यूज करके, इन सबका जो है आपका ऐड हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब सबका एवरेज हमारे पास है। अब हम बात करते हैं भी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज, व्हाट इज दैट? इट इज इक्वल टू देन ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने टोटल मार्क्स लिए हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ये अपने वर्कशीट के अंदर अक्षत मित्तल है एक बच्चा, उसके हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 218, ठीक है, और ये कितने में से हैं, सपोज करिए 50 मार्क्स ईच पेपर है, तो ये 250 में से जो है इसके ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाया और जहाँ पर टोटल मार्क्स हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उस सेल का जो है एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब डिवाइड करिए कितने में से हैं, हमने कितने में से कहा था टोटल कितने में से हैं, ये 250 इज द मैक्सिमम, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर प्रेस कर दीजिए।
ये देखें 87.2 जो है इसकी परसेंटेज आई है अक्षत मित्तल की। नेक्स्ट टाइम देखो कैसे करना है फ्रेंड्स, इक्वल टू लगाया हमने, देन क्लिक ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, जितना कि उन्होंने टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, उसका एड्रेस आपके पास आ गया सेल के अंदर, ये देखिएगा। नाउ डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम मार्क्स कितने में से हैं, ये 250 में से हैं, और मल्टीप्लाई बाय जो है 100 बाय 100, क्योंकि हमने 100 में से कैलकुलेट करना है कितने मार्क्स इनके 100 में से आएंगे, दैट इज द मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट। तो ये देखिए आपका ये जो है आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट इनकी भी हो गई। अब वही ऑटोफिल फीचर का यूज करो और ड्रैग कर लीजिए नीचे की ओर, ये आपका ये भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है हमारी, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालना है। मिनिमम निकालने के लिए जो है हमारे पास फंक्शन आता है मिन, और मैक्सिमम निकालने के लिए फंक्शन आता है मैक्स। उसके लिए क्या करना है, सपोज इज इक्वल टू हमने लगाया MIN, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। अब जिसमें से आप लोगों ने जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लिया, इन सभी का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। ये मीन्स 40 इज द मिनिमम नंबर, ये स्टूडेंट के जो क्या जो अक्षत मित्तल है उसके जो मिनिमम नंबर हैं वो 40 हैं, ये रहे 40 आपके। देखिए नेक्स्ट करके देखिएगा प्लीज, इक्वल टू हमने लगा दिया, फिर हमने लिखा MIN, शिफ्ट प्लस 9 से ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। वो स्टार्ट करने के बाद जहां से आपने कैलकुलेट करना है मिनिमम मार्क्स उनको सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट कर दिया हमने, एड्रेस यहां पर आ चुका है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए 38 इज द मिनिमम, दिस वन इज द मिनिमम, इन दोनों को सिलेक्ट करो और एक कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, इट विल बी कैलकुलेटेड इटसेल्फ। अब सभी के जो हैं मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आपके आ चुके हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स इस बच्चे के हैं वो हमने यहाँ पर दिखाता है। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि हमने ये देखना है कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाया मैक्स यहाँ पर टाइप किया, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, ब्रैकेट स्टार्ट किया शिफ्ट प्लस 9 से। अब जो डाटा है आपका उसको सेलेक्ट कर दीजिए जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर की, एंटर प्रेस कर दिया। ये मैक्सिमम मार्क्स ये 45 है, तो इसमें से चेक कर सकते हैं आप लोग कि आप लोगों का इनमें से 45 ही टॉप है, 45 जो है मैक्सिमम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ओर, इज इक्वल टू लगाया मैक्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर हमने जिन वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला लगाना है उसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये 46 है, तो ये देखिए इसमें जो है विच वन इज द मैक्सिमम, द 46 इज द मैक्सिमम नंबर, क्लियर। हाँ, इसको पकड़िए और ऑटो फिल फीचर का यूज़ करके जो है आप लोग नीचे की ओर कॉर्नर से पकड़िए, ड्रैग कर दीजिए, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गए हैं। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो है ये जो आई है परसेंटेज मिनिमम मैक्सिमम, क्या ये हमारे जो है ठीक भी हैं या नहीं, अगर आप सिंपल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के ये चीज़ जो है वो तो यहाँ रहेगी, परंतु आपका फॉर्मूला या फंक्शंस जो है गलत हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, सपोज करो यहाँ पर 38 की बजाय जो है 48 मार्क्स हैं, अभी क्या है यहाँ पर 214 है टोटल में, मैक्सिमम जो है इनके पास आपका 46 है, चेक करिएगा क्लिक ऑन इट, ये देखिए 224 हो गया, मैक्सिमम जो है 48 आ गया यहाँ पर। ये फायदा है फॉर्मूला और फंक्शन लगाने के लिए, और जिसके अंदर जो है आप लोग अगर सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं और यहाँ पर वैल्यू जो है आप लोगों ने सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया है, अगर बाय चांस गलती से कोई वैल्यू चेंज आपको गलत हो जाती है पहले से और फिर उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जो भी कैलकुलेशन आपने फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ किया है उसके अंदर अगर सेल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर 48 था तो मैंने यहाँ पर वही 34 किया और ये देखिए इसके अंदर जो वैल्यू थी वो आप लोगों को ये दिखा देगा यहाँ पर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप लोगों ने ये फॉर्मूले और फंक्शंस का यूज़ करना है। नाउ वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड यू 5 फॉर्मूला एंड फंक्शंस, फर्स्ट टोटल, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम इज द 6th फंक्शन विच यू आर टू डू। अब बच्चों आपने क्या करना है कि अपनी जो है एक एमएस एक्सेल के अंदर रिजल्ट शीट बनानी है, उस रिजल्ट शीट के अंदर जो है आप लोगों ने सभी फॉर्मूला एंड फंक्शंस का यूज़ करके
आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे और उसका एक पिक्चर खींच करके उसकी हमें व्हाट्सएप करना है, ताकि जो है आपकी जो प्रैक्टिकल असेसमेंट्स हैं वो भी साथ के साथ आपकी चलते ही रहें। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।